सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो? चलिए तो आज एक बहुत ही प्यारी सी कविता करते हैं, ठीक है? कविता है आपके बुक में, क्या है? मौसम की मस्ती। पोयम, इंग्लिश में पोयम करते हो ना, वैसे ही ये हिंदी की पोयम है आपकी। क्या नाम है? मौसम की मस्ती। यानी कि अलग अलग मौसम होते हैं तब उनमें हम क्या क्या मस्ती करते हैं, ठीक है? उसी के ऊपर है आपकी। तो आप भी मेरे साथ साथ इसको पढ़िए, ठीक है? सभी अपनी किताब का पेज नंबर 47 ओपन करेंगे, 47 खोलिए। सभी खोलिए, सभी ने। चलिए पढ़िए मेरे साथ साथ। क्या है? मौसम की मस्ती। सबसे पहले क्या आता है? गर्मी। तो देखिए, गर्मी आई बहुत छुट्टियां लेकर आई। गर्मी की छुट्टियां होती है ना जून में, वन मंथ की सभी की। तो उसी पे कह रहा है, क्या कह रहा है? गर्मी आई बहुत सारी छुट्टियां लेकर आई। गरम गरम हवा है चलती, धूप भी बहुत तेज निकलती। घर के अंदर खेलो भाई, पसीने वाली गर्मी आई। क्या कह रहे हैं? गर्मी आई यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत छुट्टियां लेकर आई यानी कि बहुत सारी छुट्टियां लेकर आई है। गरम गरम हवा है चलती, कि हवा इस मौसम में, गर्मी के मौसम में हवा कैसी चलती है? बहुत गर्म हवा चलती है। धूप भी बहुत तेज निकलती, और धूप है, सन जो है, सूरज क्या है, बहुत तेज चमकता है, तो धूप भी बहुत तेज निकलती है। घर के अंदर खेलो भाई, यानी कि हम सबको घर के अंदर रहना चाहिए। पसीने वाली गर्मी आई, क्या निकलते? बहुत सारे पसीने निकलते। देखो, घर से बाहर घूम रहा है और कितने पसीने आ रहे हैं इसके, है ना? तो कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलते क्या आते हैं? पसीने। पसीने वाली गर्मी आई। तो बात हुई गर्मी की, अब चलते हैं बारिश पर। बारिश आई छम छम करती बारिश आई। बारिश का मौसम अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है मुझे तो भाई, बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है? बारिश आई छम छम करती बारिश आई। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, ठीक है? बादल कैसे आए? उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज करते हैं ना, बादल आते हैं। कोयल गाती मोर नाचते, और क्या करती है? कोयल गाती है, मोर नाचते हैं। अपनी नाव बनाओ भाई, बूंदों के सब बारिश आई। कह रहे कि चलो, जो कागज वाली नाव होती है ना, बनाते हो सभी पेपर से, कागज से, तो कह रहे वो कागज वाली नाव बनाओ, बूंदों के संग बारिश आई। यानी कि बूंद बूंद बूंदे ही तो आती हैं, तभी तो पता चलता है बारिश आ गई, पानी गिरता है। तो वही है कि अपनी नाव बनाओ भाई, बूंदों के संग बारिश आई। तो बारिश के मौसम में क्या होता है? उमड़ उमड़ कर बादल आते हैं। क्या करते हैं हम? पानी में अपनी कागज की नाव चलाते हैं, बनाते हैं उसको, और बूंदों के संग बारिश आती है। अब ये तो हुई बारिश की बात। अब बारिश के बाद अब सर्दी आ गई है। तो क्या कहता है? सर्दी आई कोहरे की चादर ओढ़े आई। हर तरफ कोहरा होता है ना, धुंध होती है, फोग होता है ऐसा, एक स्मोक सा। तो वही है, कह रहा है कि सर्दी आई कोहरे की चादर ओढ़े आई। कंबल रजाई के क्या कहने, बहुत तो अच्छे लगते हैं ना सर्दियों में कंबल में, रजाई में घुसे रहते हैं, गरम गरम हुए रहते हैं। तो कह रहे कंबल रजाई के क्या कहने, ऊन के कपड़े हम सब पहने। और हम सब कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊन से बने हुए मोटे वो कपड़े पहनते हैं, ताकि हमें सर्दी ना लगे और हम क्या रहे, गरम गरम रहे। धूप दिखाई नहीं देती भाई, हू हू करती सर्दी आई। तो अगर धूप तो दिखाई नहीं देती और सर्दी हू करती सर्दी आई, ठंडी ठंड लग रही, ठंड लग रही करते हो ना सारे। तो वही कहता है कि धूप दिखाई नहीं देती भाई, हू करती सर्दी आई। अब सर्दी भी गई, आई और गई, अब कौन सी बसंत आएगा? बसंत। क्या
बसंत आया बसंत आया, रंग बिरंगे फूलों को लाया। यानी कि बसंत आता है तो उसके साथ साथ क्या होते हैं, रंग बिरंगे हर तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं हमें। गुनगुन करते बतियाते, वो क्या करते गुनगुन करके बतियाते, यानी कि हवा चलती है हल्की हल्की, तो जो हवा के साथ उनकी जो आवाज आती है उसी के लिए कह रहे हैं कि गुनगुन करते बतियाते। तितली भवरे साथ में गाते, और तितली और भवरा क्या करते हैं, वो भी उनके साथ साथ गाते हैं। सर्दी गर्मी के बीच में आया, सुंदर बसंत का मौसम आया। तो बसंत कब आता है, सर्दी और गर्मी के बीच में आता है, उस टाइम ना तो सर्दी होती है ना गर्मी, बहुत अच्छा मौसम होता है, हर तरफ फूली फूल होते हैं और तितली भवरे सब गुनगुनाते हैं गाते हैं। और बसंत कैसा लगता है इसको, बहुत ही सुंदर, कह रहे हैं सुंदर बसंत का मौसम आया। ठीक है, तो ये है आपकी कविता, क्या है, मौसम की मस्ती। यानी कि हर मौसम में अपनी अलग मस्ती होती है, हम अलग अलग उनका, हमारे कपड़े अलग अलग होते हैं, अलग तरह के कपड़े, गर्मी में हम हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में वूलन यानी कि ऊन के कपड़े पहनते हैं, तो हर खाना भी अलग अलग होता है। गर्मियों में आइसक्रीम अच्छी लगती है, सर्दियों में गर्म गर्म दूध अच्छा लगता है ना, तो अलग अलग मौसम की अपनी अलग अलग मस्ती और होती है। ठीक है, तो आपको इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसे याद करना है। ठीक है बेटा, देखिए और इसमें कुछ ये शब्दार्थ है आपके, जैसे सब संगनी साथ, बतियाते बात करते, बतियाना यानी कि आपस में बात करना, संग रहना यानी कि साथ रहना। ठीक है, तो आपको इनको भी अच्छे से याद करना है। ठीक है बेटा।